पब्लिक सर्विस कमीशन का नौकरी लीला निकाला और सब कांग्रेसी और कमीशन का चेयरमैन ने वो नौकरी लूट लिया। हमारा गरीबों का हाथ में कुछ नहीं। भाई और बहनों, हमें ऐसा सरकार बनाना है जो सरकार बेरोजगारी भत्ता का नाम में धोखा नहीं करता है, सीधा युवाओं को नौकरी देने का काम करता है, रोजगार देने का काम करता है। मैं भूपेश बघेल जी को बोलता हूं, आपका गरीबों से क्या दुश्मनी है? प्रधानमंत्री मोदी जी से दुश्मनी है, मैं मान लिया, लेकिन जो माओ का नाम में, पिताओं का नाम में जो मोदी जी ने 16 लाख आवास भेजा था, इसको आपने क्यों कंस्ट्रक्शन नहीं किया? क्यों आपने गरीबों को मकान नहीं दिया? बोले नहीं, मोदी जी का नाम होगा। अरे मोदी जी का नाम होगा नहीं होगा, दूसरा बात, कम से कम गरीबों को रहने का एक आवास मिल जाता था। मोदी जी कोई नाम के लिए घर नहीं बनाता है। नरेंद्र मोदी आवास योजना नाम नहीं दिया है, प्रधानमंत्री आवास योजना नाम दिया है। देश का प्रधानमंत्री पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। लेकिन भूपेश बघेल जी, आप गरीबों का घर को आपने स्वीकृति नहीं दिया। 16 लाख फैमिलियों का, 16 लाख माताओं और पिताओं घर से डिप्राइव हुआ, मौका नहीं मिला वो लोगों को। आज हम लोग ये वादा करने आया हूं, माताओं और बहनों, वो 16 लाख घर नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी सरकार आएगा, हम दोबारा सबके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का घर स्वीकृति देंगे।